सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में टैग गेमर वर्ल्ड में। और आपने एक बात गौर की होगी, मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर लिया। वो इसलिए चेंज किया क्योंकि टैग गेमर जो है गेमिंग से रिलेटेड चैनल, जहाँ तक गेमिंग की चीज़ों के रिलेटेड मैं जो बात करने वाला हूँ, गेमिंग कंसोल, गेमिंग पीसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। मैं और चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, कैमरा लैपटॉप वगैरह में ज़्यादातर। तो अगर आपको ऐसी नॉलेज चाहिए वगैरह चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए इसे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेस्टेशन 5 की गेम्स के बारे में, जो कि पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कुछ 5 गेम्स के बारे में। काफ़ी बढ़िया बढ़िया टाइटल्स जो थे वो आ रहे हैं अभी प्लेस्टेशन 5 के। और तो और पता ही होगा आपको, बैकवर्ड कंपैटिबल भी है प्लेस्टेशन 5। बट कुछ टाइटल्स जो कि नए आ रहे हैं इस पर, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो मैं थोड़ी सी छोटी रखूँगा, क्योंकि पहले वाली वीडियो जो थी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, 12 मिनट्स के आसपास थी। ये वीडियो को काफ़ी हद तक मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं गेम्स की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले गेम जो है हिटमैन 3, जो कि प्लेस्टेशन पे आने वाली है। और इसका जो टाइमिंग है आने वाली वो जनवरी में आने वाली है 2021 में। प्लेस्टेशन 4 पे भी आएगी और प्लेस्टेशन 5 पे भी आएगी हिटमैन 3। और तो और अगली जो गेम है, आप सबकी फेवरेट गेम है, वो है रेजिडेंट एविल विलेज, जो कि आपने रेजिडेंट एविल 7 खेली होगी, 2 खेली होगी। बट ये रेजिडेंट एविल विलेज भी आने वाली है, और ये आने वाली है 2021 में PS5 पे। और कोई भी इसमें एक्सक्लूसिव गेम नहीं है ये। और अगली जो गेम आने वाली है वो है NBA 2K21। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्लेस्टेशन 5 पे आने वाली है। अब इसकी डेट कंफर्म नहीं है, शायद कुछ एक दो साल के बाद आ जाए। और आप सबको बहुत ही जानने खुशी होगी कि ये गेम आपको प्लेस्टेशन 4 पे मतलब 2K20 मिल जाते, 2K21 नहीं, 2K20 जो है आपको तकरीबन काफ़ी हद तक सही मतलब फ्री वगैरह मिल जाती है। तो लोग उसको फ्री भी खेल सकते हैं। अब आपको सीडी वगैरह तो कुछ ज़रूरत नहीं। और तो जो 2K21 है, ये प्लेस्टेशन 4 पे भी आने वाली होगी, या फिर 5 पे अगर आएगी तो साथ के साथ ही आएगी, क्योंकि यार 2K21 है। और 21 तो अगला आ गया, तो मतलब 2021 के आसपास ये गेम आई जाएगी। और अगली जो गेम है जो आने वाली है आप सबकी, वो है प्लेस्टेशन 4 पे भी है, वो है रैचेट एंड क्लैंक। और ऑल्सो आपने इसे प्लेस्टेशन 4 पे भी खेला होगा, और ऑल्सो ये इस पर भी आने वाली है। अगला जो लास्ट गेम है वो आने वाली है एथिया, जो कि प्लेस्टेशन 5 पे आने वाली है। इसकी भी डेट कोई कंफर्म नहीं की गई है सोनी ने। अगर जो अगर डेट्स वगैरह बता देगा सोनी, तो हम बाद में फिर कभी आपको वीडियो में बता देंगे। तो चलिए जल्दी हम आपको इन वीडियोज़ के ट्रेलर दिखाते हैं, और चलिए अपनी वीडियो को Chris? Sorry, Ethan. Bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. I don't make a sound when I stray. You better just run for your life. It was always gonna end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process.
something. Ask nicely. Slow down, please. Death's not listening. The dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Great! Where are we? Beats me. Ratchet, we are too late. Ratchet. So friends, I hope that कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो. आपको जितनी भी गेम्स दिखाई हैं, आप सबको बहुत अच्छी लगी होंगी. इसका पार्ट 3 जल्दी आ रहा है मेरे चैनल पे और जल्दी जल्दी प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी, पार्ट 3 की. तो उसी में भी 5 गेम्स के बारे में बता दूंगा और ऐसे ही पार्ट्स आते रहेंगे इसकी सीरीज़ के. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा. अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल्सो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आती रहे. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.